केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के बाद अब समान नागरिक संहिता अर्थात UCC का मुद्दा भी गर्म हो गया है। जिस तरह से मोदी सरकार के मंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ UCC के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, उससे UCC विरोधियों के बीच सुर मुखर होने लगे हैं। सुन्नी पसंदीदा बोर्ड तो पहले ही UCC का विरोध कर रहा है, वहीं अब शिया पसंदीदा बोर्ड ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पसंदीदा बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समान नागरिक संहिता उन्हें किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। बोर्ड ने धमकी वाले अंदाज में कहा कि मोदी सरकार UCC बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से चेतावनी दी गई है, यदि मोदी सरकार ने हमारा अनुरोध नहीं माना तो मुहर्रम के बाद आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बोर्ड के यह तेवर तब हैं जब भारतीय संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात लंबे समय से कहता रहा है। अलग अलग मौके में देश की तमाम अदालतें सरकार से UCC लागू करने के लिए कानून बनाने की बात भी कह चुकी हैं। वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश में सबके लिए एक जैसे कानून में कोई बुराई नजर नहीं आती। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर माहौल गर्म रहा है। एक ओर जहां देश की बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठाती रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता आया है। इसी के मद्देनजर इस मुद्दे पर हर चुनाव में खूब राजनीति होती रही है, वहीं चुनाव बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन लगता है अब मोदी सरकार इस पर बड़ा निर्णय लेने का मन बना चुकी है। UCC से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा, क्योंकि आज भी किसी भी समाज और कौम में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना रेगिस्तान में नखलिस्तान से कम नहीं है। लेकिन UCC लागू होने से महिलाओं के सामने कदम कदम पर आने वाली चुनौतियों पर का ग्राफ थोड़ा कम हो जाएगा। मगर चिंता की बात यह है कि एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडा बरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है? समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए। क्या एक एकीकृत राष्ट्र को समानता की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही ना करें? इसका जवाब हाँ में है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश का संविधान देशवासियों को कुल मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें भाषा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ विभिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। बोलने, खाने पीने, अपने विचार व्यक्त करने की हमें आज़ादी है, लेकिन इसी आज़ादी का जब लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं तो देश की संप्रभुता पर खतरा मंडराने लगता है। उस समय जनता को अधिकार के साथ उनकी जिम्मेदारी से भी अवगत कराया जाता है। समान नागरिक संहिता अर्थात UCC इसी क्रम की एक बड़ी कड़ी है। सवाल उठता है कि हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं तो कानून में भी एक रूपता से आपत्ति क्यों? बता दें, संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता में किसी के रीति रिवाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग अलग है। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में पसंदीदा अल्लाह का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पसंदीदा है, जबकि हिंदू सिविल्ला के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आते हैं। गौरतलब है कि भारतीय
संविधान निर्माण के बाद से ही यूसीसी को लागू करने की मांग उठती रही है, लेकिन जिस प्रकार मांग उठती है उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ है। यूसीसी के हिमायती यह मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।